हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपनों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और कैथोड किरणों की क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। अब कि इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद क्या हुआ, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो खंडित हो गया और परमाणु सबसे छोटा कण नहीं रहा, परमाणु को भी क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया और उसमें से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया। पर परमाणु के बारे में कहा गया था कि परमाणु क्या होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये कैसे निकले थे, विद्युत उदासीन निकले। पर इलेक्ट्रॉन परमाणु को जब तोड़ा गया तो उसमें क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन पे क्या था, माइनस चार्ज था। और माइनस चार्ज होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होने से अगर अपन देखें तो वो विद्युत उदासीन नहीं हो सकता। तो इसको विद्युत उदासीन करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कण जो होगा जो इस नेगेटिव को क्या कर दे, उदासीन कर दे या न्यूट्रल कर दे। तो इस पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए फिर साइंटिस्ट इसके पीछे लग गए और उस टाइम के साइंटिस्ट गोल्डस्टीन कौन से सन 1886 में इन्होंने क्या किया, जो जे जे थॉम्सन का जो प्रयोग था विसर्जन नलिका का, उस प्रयोग को उन्होंने फिर क्या किया, वापिस आगे बढ़ाया। फिर वही वापिस क्या ली इन्होंने, विसर्जन नलिका ली, वही निर्वात पंप लगाया। ठीक, ये निर्वात पंप, ये क्या थी अपनी विसर्जन नलिका, और विसर्जन नलिका के साथ एक तरफ क्या करा था उन्होंने, यहाँ पर कैथोड लगाया था और एक तरफ क्या लगाया था, एनोड लगाया था। पर यहाँ पर गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड की जगह कौन सा कैथोड ले लिया, जिसमें छेद हो, पोरस या छिद्रित कैथोड ले लिया। ये कैथोड, कैथोड पर क्या था, माइनस चार्ज। एनोड, एनोड पर कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इसके अंदर वही गैसें भर दी। ठीक, गैसें भर दी। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था, अपने पास जो वायुमंडलीय दाब था वो कितना रखा था, 10^-4 ATM रखा था, और करंट कितना रखा था, 10,000 वोल्ट रखा था। गोल्डस्टीन ने क्या कहा, गोल्डस्टीन ने बताया कि परमाणु को विद्युत उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज कण भी होना चाहिए जो इसको क्या करेगा, परमाणु को उदासीन, विद्युत उदासीन बनाएगा। तो उन्होंने ये जो सर जे जे थॉम्सन का जो प्रयोग था उसको गोल्डस्टीन ने और आगे बढ़ाया और वायुमंडलीय दाब को 10^-4 से बढ़ाकर कितना, 10^-2 कर दिया। तो 10^-2 ATM करने से अब जो कण जो थे, पहले कहाँ कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे, अब वही कण कहाँ, एनोड से कैथोड की ओर आने लग गए, एनोड से कैथोड की ओर आने लग गए। और एनोड से कैथोड की ओर आने के कारण इन कणों को क्या बोला, एनोड कण या एनोड किरणें नाम दिया गया। ठीक, और इन्होंने क्या किया था, कैथोड की जगह छिद्रित कैथोड का इस्तेमाल किया था। कैथोड की जगह कौन सा, पोरस कैथोड का यूज़ किया था। तो ये जो कण थे ये इस छिद्रित कैथोड को भी पार कर गए और छिद्रित कैथोड को पार करने के कारण इन किरणों को केनॉल किरणें भी नाम दिया गया। और बाद में रदरफोर्ड ने इन एनोड किरणों को प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया इन कणों को, प्रोटॉन नाम दिया। ठीक, तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था, जो परमाणु को विद्युत उदासीन बताने के लिए उसने बोला था कि परमाणु पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज्ड आयन आवेश, पॉजिटिव चार्ज्ड कण भी होना चाहिए जो इस नेगेटिव चार्ज्ड कण को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो उन्होंने सर जे जे थॉम्सन और क्रूक्स और उनके सहयोगियों का जो
एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया, वायुमंडलीय दाब 10^-4 एटीएम से 10^-2 एटीएम कर दिया, तो जो कण कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे वही कण अब एनोड से कैथोड की ओर आने लग गए, और एनोड से कैथोड की ओर आने के कारण ही इन कणों को क्या कहा, एनोड कण या एनोड किरणें कहा गया। और इन्होंने क्या किया था, कैथोड को कौन सा, छिद्रित कैथोड में बदल लिया था, छिद्रित कैथोड लगाया था, तो ये कण क्या हुए, इस छिद्रित कैथोड को भी पार करके निकल गए, और छिद्रित कैथोड को पार करके निकलने के कारण इन कणों को, इन किरणों को कैनोल किरणें भी कहा गया, और बाद में इन हल्के धन आवेशित कणों को रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया, और इस टाइप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये चीज़ भी क्या हो गई, यहाँ पर प्रूफ हो गई। और इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा पार्टिकल कौन सा, प्रोटॉन अपने को मिल गया था, इस टाइप से प्रोटॉन की खोज हुई। अब प्रोटॉन की, प्रोटॉन या अपन कहें एनोड किरणों की क्या क्या विशेषता है वो देखना है, एनोड किरणों के गुण। तो अपनों ने इससे पहले जो कैथोड किरणें और उनके गुण पढ़े थे, वो कैथोड किरणों के जो गुण थे उसमें अगर दो या तीन पॉइंट हटा दिए जाए तो बाकी जितने भी पॉइंट हैं सेम टू सेम वो एनोड किरणों के भी गुण होते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें चेंज होगा, पहला पॉइंट उसमें क्या था, कहाँ से कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे, यहाँ पर कण कहाँ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, तो ये किरणें कहाँ से, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। दूसरा पॉइंट देखिए अपन, तो ये कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गमन करती है। तीसरा, वही गैसों को इसने भी आयनित किया, ये किरणें गैसों को आयनित करती है। चौथा पॉइंट वही क्या था, मार्ग में अपन क्या करें, इनके मार्ग में अगर धातु की पतली पन्नी रख दें तो उसको क्या कर देगी, ये पार करके निकल जाएंगे। इन कणों के मार्ग में धातु की पतली पत्ती रख दें तो ये उसको गर्म कर देते हैं। इन किरणों के मार्ग में यदि कोई पंखा रख दिया जाए तो ये उसे घुमा देते हैं। इन किरणों के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो ये क्या करेंगे, उसकी छाया बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे, स्फुर दीप्ति उत्पन्न करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, छिद्रित कैथोड को पार कर जाते हैं, इसलिए इन किरणों को क्या बोलते हैं, कैनोल किरणें बोलते हैं। तो खाली अगर ये दो पॉइंट अपन ऊपर के और एक ये कैनोल किरणें वाला पॉइंट छोड़ दे तो बाकी जितने भी पॉइंट हैं, सात पॉइंट हैं, वो सातों पॉइंट क्या है, कैथोड किरणें और एनोड किरणों के एज इट इज़ है, सेम टू सेम है। तो अपन के अगर कैथोड किरणों के जो गुण हैं वो याद कर लिए जाए तो एनोड किरणों के भी अपने को विशेषता गुण याद हो जाएंगे। तो इस टाइप से अपने को क्या हुआ, डोल्टन का जो रूल था, पहला सिद्धांत का जो पहला अभिग्रहित था, दूसरा अभिग्रहित था, तीसरा अभिग्रहित था, वो पूर्ण रूप से खंडित हो गया है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यह भी यहाँ पर आकर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और इस टाइप से परमाणु क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। न्यूट्रॉन कैसे, न्यूट्रॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन के बारे में हम क्या क्या आपको बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।